नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान प्रकरण दो। प्रकरण एक में हम गद्य साहित्य का सामान्य परिचय प्राप्त कर चुके हैं, कितना संघर्ष हमारी हिंदी को अपने स्थायित्व के लिए करना पड़ा और किस तरह से वो अपनी वर्तमान स्थिति की ओर आगे बढ़ी, ये हमने जाना था। अभी हम संवत 1925 से 1950 तक की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। 1925 से 1950 तक, ठीक है, ये परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान है। शुक्ल जी इसको क्या कहते हैं, प्रथम उत्थान। उसके पहले मैं सभी अपने जितने भी लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सभी व्यूअर्स को जो समय देते हैं और सभी सब्सक्राइबर्स को। चलिए आगे शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907, ठीक है, संवत 1907 को, और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को हुई थी। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। इनका जीवन हम पढ़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा पढ़कर, याद रहेगा, जिज्ञासा होगी। संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में इनका परिचय बंग देश के नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। जीवन में जब भी पता है हमें आगे बढ़ना होता है तो एक हल्का सा भी टर्न हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों का के अभाव का अनुभव किया। जब वे वहां गए उन्होंने बंगला में साहित्यिक प्रगति देखी, नए ढंग के सामाजिक और देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक आदि उन्होंने देखे, उपन्यास देखे, तो उन्हें ये लगा कि हिंदी में भी जरूर इस तरह के साहित्य होने चाहिए, है ना। संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, ठीक है। वहां से लौटते जब उन्होंने अनुभव किया तो उन्होंने 1925 में विद्या सुंदर नामक नाटक को बंगला से अनुदित कराया, करके लिखा, प्रकाशित कराया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुगौल रूप का आभास करा दिया था, है ना। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नामक की एक पत्रिका निकाली जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। इसी वर्ष अर्थात 1925 में ही उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमें पहले तो उन्होंने पुराने जो कवि थे उन्हीं की कविताएं आदि छपा करती थी, लेकिन बाद में इसमें गद्य के लेख भी छपने लगे। 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, है ना, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत, मतलब ये मासिक पत्रिका थी, यानी कि 8 महीने बाद, आप समझ लीजिए 8 महीने बाद हरिश्चंद्रिका हो गया 90 महीने, ठीक है। 8 अंक निकलने के बाद, 8 संख्याओं के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्रिका रख दिया गया और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक नवीन शिशु ने जन्म लिया हरिश्चंद्रिका के रूप में, है ना। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस दिन प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझी, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़ कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ था। इसीलिए मैंने कहा 8 संख्याओं के बाद नवी संख्या को एक हिंदी के नवीन शिशु का जन्म हुआ हरिश्चंद्रिका के रूप में, जिसको सभी ने बड़ा प्यार दिया। भारतेंदु जी ने नई सुधारी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना जाता है।
उन्होंने काल चक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है, नोट लगा देते हैं ना सब, उन्हें भी अपनी पुस्तक में नोट लगाया है, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873, संबत नहीं दिया हुआ, सन दिया हुआ है ना, सन 1873 जो यही सन, क्यों उन्होंने नई चाल में ढाला हरिश्चंद्र का के रूप में, इसी हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत बहुत से लेखकों को भी उन्होंने उत्साह देकर तैयार किए थे। स्वर्गीय पंडित पद्मी नारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा करती थी, बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते। अब उस समय ये लेखन का कार्य बहुत बढ़िया तो नहीं चलता होगा, लेकिन ये सिर्फ शौक ही कहा जा सकता है, कुछ कर गुजरने का, अपनी भाषा के लिए, अपने समाज के लिए एक जज्बा कहा जा सकता है ना। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें वक्तता और मौलिकता थी, उनकी हिंदी हिंदी थी। इस समय तक जो भी लेखक थे वो मौलिकता थी उनके अंदर, है ना, कहीं कोई कृत्रिमता या कहीं से कुछ उधार लिया हुआ नहीं समझ आता था, उनकी जो हिंदी थी वो हिंदी ही होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला, जिसके कारण हिंदी का स्वरूप संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था, बाद में इतना ज्यादा अनुवाद किया गया कि लोग जब अनुवाद करते हैं और कई बार नहीं जानते हैं तो उस शब्द को वैसे ही को वैसे उठा के रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से क्या होता है, अनुवाद बहुत ज्यादा होने से हिंदी का अपना जो स्वरूप था वो खतरे में पड़ने लगा था। लेकिन जब हरिश्चंद्र का समय वो ऐसा नहीं, उस समय ऐसे लेखक ना थे जो बंगला की पदावली और बाकी ज्यों के त्यों रखते हैं या अंग्रेजी के वाक्य और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करते हैं, भाव लेते थे उस समय जो भी अनुवाद करते थे, और अनुवाद करके क्या करते हो, हिंदी लिखने का दावा करते हैं, है ना। इसको ट्रांसलेशन एज इट इज कैद कर दिया गया या मुहावरे तक वैसे के वैसे रख दिए गए, तो इसको हिंदी लेखन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो इस तरह का कार्य करके हिंदी लिखने का दावा करते थे। उस समय की हिंदी में न दिक दिक अशांति थी, न कांदना, न सिहरना और न छल छल अश्रुपात, न जीवन हो, न कवि का संदेश था, न भाग लेना और न स्वार्थ, ये सारे शब्द दूसरी भाषाओं से अवतरित हुए हमारी हिंदी में, उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र के पांचवें पैगंबर मुंशी ज्वाला प्रसाद का कविराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संबत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोध निकाली, 1931 में संबत 1931। इस प्रकार उन्होंने तीन पत्रिकाएं निकाली। इसके पहले संबत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैद्य की हिंसा हिंसा न भगत नाम का प्रहसन लिखा था, जिसमें धर्म और उपासना के नाम पे समाज में अनेक अनाचारों को का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके कुसामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि के फिक्र रखने वालों पर छींटे छोड़े थे, अर्थात व्यंग कसे थे। भारत के प्रेम के मतवाले देश हिंद की चिंता में व्यक्त हरिश्चंद्र जी पर सरकार की कुदृष्टि हो गई, उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब भी समझे जाते थे, शिव प्रसाद जी ही इसका मेन कारण थे, क्योंकि कोई व्यंगात्मक लिखते थे उनके ऊपर, कहीं ना कहीं वो खुशामदी करते थे अंग्रेजों की, तो जो भारतेंदु जो जी पे अंग्रेजों की कुदृष्टि पड़ी वो उसका कारण वही थे। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले दो ही लिखे गए थे,
महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नमोस नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों नाटक ब्रज भाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये है। चलिए भारतेंदु प्रणीत नाटक भी हम देख लेते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि गोपाल चंद्र जी हैं, ये भारतेंदु जी के पिता, भारतेंदु जी के पिताजी थे। चलिए जानते हैं भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों के बारे में। वैदिकी हिंसा हिंसा नाटक, चंद्रावली, विशस्य विस्मौसुधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी और सती प्रथा। सती प्रथा एक अधूरा नाटक है जिसे वो पूरा नहीं कर सके। इतने ही इनके मौलिक नाटक थे, अनुदित नहीं थे। जिन नाटकों का इन्होंने दूसरी भाषाओं से अनुवाद किया अब हम वो देखते हैं। ठीक है, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र भारत चरित्र, ये इनके अनुदित नाटक। ठीक है, अब सत्य हरिश्चंद्र को मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है लगभग लगभग वैसा ही रहा होगा, इसलिए शुक्ल जी इस तरह से ये बोल रहे हैं। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ पंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते पूरा फिर से लिख डाला था। मतलब उसमें उनको कमियां लगी, सुधारते सुधारते उन्होंने भारत जननी को पूरा फिर से लिख डाला। इस तरह से अनुदित नाटक था। ठीक है, बंगला का। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहला ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है, नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है, तो ऐतिहासिक है। भारत दुर्दशा तेज दशा का बहुत मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशस्य विस्मौसुधम देशी रजवाड़ों के कुछ चक्रपूर्ण स्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। देशी रजवाड़ों ने ही बहुत कुछ, अगर एकता दिखाई होती तो भारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता। प्रेम योगिनी में भारतेंदु जी ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही विशेषता है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया, ना तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बार की छोड़ वे अंग्रेजी के नाटकों की नकल पर चले, और ना ही प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। ना बहुत ज्यादा आधुनिकता, ना जटिलता, ना आधुनिकता ना प्राचीनता, संतुलन ही जीवन में आगे बढ़ा सकता है किसी को। संतुलन, आप कितना भी अच्छा कार्य करेंगे तो चीजें संतुलित नहीं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता से थोड़ा दूर कर दे। संतुलन बहुत जरूरी। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहा करती थी, पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वो कहीं कहीं करती। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही, पर हिंदी साहित्य के सर्वोन्मुखी विकास की ओर वे बराबर दत्तचित्त रहे। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि से लेकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में यानी बाद के दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए, पर शैल्ब से अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया, वरना आज हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के उपन्यासों के भी अच्छे अच्छे उपन्यास भी पढ़ने को मिलते। सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस इससे एक और तो उनकी लेखनी के श्रृंगार के ऐसे रसपूर्ण मार्मिक कवित्व समय निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगी। और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई इनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने। अपने सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा के दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में भी। पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखती है। किसके बारे में कही जा रही है? भारतेंदु जी के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वो पद्माकर और द्विज की परंपरा के दिखाई पड़ते थे, और दूसरी तरफ बंग देश के यानी बंगाली माइकल और हेमचंद की श्रेणी में भी आते। एक ओर तो वह राधा कृष्ण की भक्ति में झुकती हुई नई भक्त मार्ग दिखाई देती थी,
और दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों की टीकाधारी भक्तों की चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि का व्याख्यान करते पाए जाते थे। सत्य में अगर कोई कहता है कि मैं तटस्थ हूँ या समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वहां पे भी इसी तरह के संतुलन की आवश्यकता होती है। आजकल का जो आलोचना होती है वो चाहे किसी पार्टी को लेकर, किसी भी चीज या शब्द को, किसी भी वस्तु को लेकर एक तरफा होती है। या तो हम सिर्फ अच्छाइयां देखते हैं या फिर सिर्फ बुराइयां। जब तक उनका सही आकलन किसी के बारे में भी नहीं किया जाए, तब तक ऐसे कार्य से वास्तव में कोई फायदा नहीं। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतीय की कला का विशेष मात्र है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नई या बाहरी भावों को बचा कर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगे, है ना। प्राचीन से नवीन से उस संधि काल में जैसे शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल उसके चारों ओर तैयार हो गया था। उपाध्याय पंडित बद्रीनाथ नारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू गोपाराम ठाकुर, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बाल कृष्ण भट्ट, पंडित केशव राम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने साहित्य में इस नूतन विकास में योग दिया, अपना योगदान दिया। भारतेंदु के अस्त तो संवत 1941 में हो गया, उनकी तो मृत्यु हो गई, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य का निर्माण करता रहा। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में नहीं दिखाई पड़ती। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, एक उनकी भावावेश की शैली और दूसरी तथ्य निरूपण की शैली। ठीक है, भावावेश की शैली की भाषा प्राय वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरस बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत ही प्रचलित अरबी फारसी कभी कभी पर बहुत कम आ जाती है। चंद्रावली नाटिका का उत्तर अंश होती है। चलिए देखिए, झूठे 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 छूटे ही नहीं, विश्वास का क्यों इतनी छाती को और हाथ उठा उठा कर लोगों का विश्वास दिया। आप ही सब मरते चाहे जंगलों में पड़ते, भला क्या काम था इतना पचड़ा किया, किसने इस उपद्रव और जाल को करने को कहा, कुछ ना होता तुम भी तुम रहती बस चैन केवल, फिर क्यों यह विस्मय संसार बखेड़िए, और इतने बड़े कारनामे कारखाने पर बेहयाई, परले सिरे नाम बिके, लोग झूठा कहे अपने मारे, पर बाहरे शुद्ध बेहयाई, पूर्ण निर्लज्जता, लाज को जूतों के जूतों मारे पीट पीट कर निकाल दिया। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती, हाय एक बार भी मुंह दिखा दिया होता तो मत वाले मत वाले बने क्यों लड़ना लड़ लड़ कर सकते, काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे खुकली भया बेहया। जहाँ चित्त की किसी स्थायी छोर की अभिव्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े पर अन्य वह जटिल नहीं, जैसे प्रेम योगी के सूत्रधार के इस भाषण। क्या सारे संसार के लोग सुखी रहे और हम लोगों का परम बंधु पिता पुत्र पुत्र सब भावनाओं से भावित प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जगत, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवन दाता हरिश्चंद्र ही दुखी हो, नैनों में जलेगी। हाँ सज्जन सिरोमणि, कुछ चिंता नहीं, तेरा दुबाना है, कितना भी दुख हो उसे ही सुख मान, सुख उसे सुख ही मान। मित्र तुम तो दूसरों का अपकार
और अपना उपकार दोनों भूल जाते हैं। तुम्हें इतनी निंदा से क्या, उस चित्त को क्यों क्षुब्ध करते? स्मरण रखो, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे। तुम लोग बहिष्कृत होकर इनके सर पर पैर रखकर विहार करो। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश होता था। इसका सबसे बड़ा चढ़ा उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में मिलता है। आज बड़ा दिन, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन, किंतु मुझको आज उल्टा दुख, इसका कारण मनुष्य स्वार्थ सुलभ ईर्ष्या मात्र। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से भीम हूं। जब मुझे अंग्रेज रमणी लोग मेघ सिंचित केस राज प्रत्यम कुंतल जूप मिथ्या रत्न भरण विविधा पट वसन से भूषित छीण कटि छेद देश कथि निज नज पति गण के साथ प्रसन्न वदन इधर से उधर थर थर कल की पुतलियों की बात फिरती हुई दिखाई पड़ती है, तब इस देश की सीधी साधी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही बात मैंने पूछता था। देखिए यहाँ पे काफी टिपिकल और जटिल संस्कृत शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, पर यह भाषा वाक्तेंदु की असली भाषा नहीं है। उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अक्षरों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की ही हो, उनके वाक्य कहने में सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, बात वैचित्र या चमत्कार नहीं। सबसे ज्यादा वाक्य वैचित्र या चमत्कार के चक्कर में कौन पड़े हैं, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, अभी पढ़ते हुए आना। ये स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतीय की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती, उसमें शब्दों के रूप भी प्रणाली पे वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते। प्रेम धन आदि और लेखकों की भाषा में क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं, क्रमशः मतलब धीरे धीरे उनमें उन्नति और सुधार होता ही चला गया। समत 1838 में आनंद कादंबरी का कोई लेख देख कर लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख का मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई दे। भारतेंदु के लेख मतलब उसी आनंद कादंबरी के 10 वर्ष बाद के अगर लेख को देखेंगे तो दोनों में काफी अंतर मिलेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया आज्ञा किया व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं। प्रताप नारायण मिश्र इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर बस गए, जहाँ प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म संवत 1913 में और मृत्यु 1951 में। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्यता की कम परवाह कर कभी लापनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते, कभी मेरो और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ कर जाते दिखाई पड़ते थे। मस्त मौलाइन प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही अपना आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी अच्छी थी। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी, इससे उनकी वाणी में व्यक्त पूर्ण वक्रता में की मात्रा प्रायः रहती। इसके लिए वे पूर्वी मत की परवाह न करके अपने वैश्वारिक ग्राम में कहावतें और शब्द भी बेधड़क धड़क दिया करते थे। कैसा ही विषय उस पर उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ ही लेते थे। अपना ब्राह्मण पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। लेख हर तरह के निकलते थे, देश दशा समाज सुधार नागरी हिंदी प्रचार साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लिखनी चलती। शीर्षकों के नामों से ही वे विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा। आप शीर्षक देख के ही पता चल जाएगा आपको कि वो कितने अलग अलग विषयों पे लिखने में सिद्धहस्त थे। जैसे भूरे का लत्ता बिने कनातन के ढोल बंधे, ये एक मुहावरा भी है शायद, भूरे का लत्ता बिने कनातन के ढोल बंधे, ठीक है। समझदार की मौत है बात मनोयोग व्रत भव। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कुछ गंभीर विषयों पर बोलते थे तब संयम और साधुभाषा का व्यवहार करते। दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते हैं।
समझदार की मौत है, चलिए ये देख लेते हैं। सच सबके भले मूड, जिन्हें न व्यापे जगत गति। बढ़िया, मजे से पराई जमा गपक बैठ, खुशामतियों से गप मारा करना, जो कोई तिथि त्योहार आ पड़े तो गंगा पे बदन धोआना, गंगा पुत्र को चार पैसे देकर सेत मेत में धर्म मूर्त धर्म अवतार का किताब पाना। संसार परमात्मा तो दोनों बन गए, अब काहे की है और काहे की है, काहे की है और काहे है के? आखिर तो बेचारे जिंदा दिलों की है, जिन्होंने ना यो कल ना वो कल। आज स्वदेशी भाषा का पूर्ण प्रचार था, तब विद्वान कहते कि कीवाण वाणी विशाल बुद्धि स्थानीय भाषा रस लोलुप को हम। अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं को करकट छाती का पीपल हो रही है, उर्दू के लिए कहा है। अब चिंता यह खाई जाती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे। ये इनकी हास्य विनोदपूर्ण शैली थी, अब मनोयोग में देखते हैं गंभीर शैली। शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है, जिसमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं और उसकी इच्छा अनुकूल नहीं होते, वह वास्तव में अच्छे कार्य हो, वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हो किंतु भले प्रकार पूर्ण रीति से संपादित नहीं हो, ना उनका करता ही यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है, उसका स्वभाव और स्वभाव उसका चंचल। यदि स्वच्छंदता रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग का ये जगह पे प्रिंट नहीं हुआ है आधा मार्ग रहता है, यदि रोका ना जाए तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ और अनर्थपूर्ण कर देता है। प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे, कलिकौतुक रूपम में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने के संकेत किए गए हैं। संगीत शाकुंतल लाभनी के ढंग पर गाए जाने योग्य खड़ी बोली के पद्यबद्ध शाकुंतला नाटक थे, ठीक है, संगीत से मतलब गाने योग्य, शाकुंतल से आप समझिए शाकुंतला नाटक का। भारतेंदु के अनुसरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा। हटिया में रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का व्रत लेकर लिखा गया है। गो संकट नाटक और करी प्रभाव नाटक के अतिरिक्त चुआरी कुआरी नाम से भी उनका एक प्रश्न, ठीक है। ये बात हो गई प्रताप नारायण मिश्र। आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे बालक कृष्ण भट्ट जी के साथ, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नोत्तर का अभ्यास मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो रहा है हर वीडियो के साथ में, आप लोग उसको जरूर करते रहिएगा। शुक्ल जी आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यदि आपको कहीं इनको पढ़ने में दिक्कत होती है या कहीं बोरियत महसूस होती है तो भी इसको सुनने का प्रयास अवश्य करिएगा। हिंदी में छापना है तो आपके लिए वास्तव में ये बहुत जरूरी है। आपका साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।